मैं हूं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के जीवन बाग में 50 नाम के एक लड़के ने एक कुत्ते पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये 50 नाम का लड़का नशे में धुत था और इसी नशे के हालात में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये किसी व्यक्ति पर हमला करने जा रहा था, मगर उसी दौरान कुत्ता आ गया और इसने चाकू से जो है कुत्ते के पेट में वार कर दिया। ये घटना 4 तारीख की रात में हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कुत्ते को इलाज के लिए डॉक्टर तनवीर के पास ले गए। यहाँ प्राथमिक इलाज किया गया, कुत्ते के पेट में कई टांके लगे। आखिरकार 5 तारीख को कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद राबिया बुस्तानी नाम के एक महिला ने मुमरा पुलिस स्टेशन में कुत्ते पर हमले और उसकी मौत को लेकर FIR 50 के नाम पर दर्ज करवाई। मुमरा पुलिस ने 50 के नाम पर FIR तो दर्ज कर ली है, मगर अभी तक उसे पकड़ा नहीं है। मगर वहीं सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति पर हमला करने जा रहा था लेकिन वो बच गया और कुत्ते पर चाकू से हमला हो गया। जरा सोचिए कि अगर कुत्ते की जगह उस व्यक्ति को चाकू लगा होता तो उसका क्या हाल हुआ होता। वहीं नशा करने वाले लोग अक्सर देखा जाता है मुमरा शहर में, क्या इंसान क्या जानवर, किसी पर भी नशा करने के बाद ये हमला कर देते हैं। वहीं कुत्ते के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के परेल के एक अस्पताल में भेजा गया है और जिस तरह से इस कुत्ते पर हमला हुआ और उसकी मौत हुई है, शिकायतकर्ता राबिया बुस्तानी ने FIR दर्ज करवाने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? राबिया बुस्तानी। एक्चुअली मुझे कॉल आया था जीवन बाग से कि यहाँ पर किसी ने एक चर्सी है जिसने कुत्ते पे हमला कर दिया है और उसकी पूरी अतरियाँ बाहर आ गई है। तो मतलब जब मेरे पास ये केस आया तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि मैडम इसके लिए हमको आप बताइए कि हम कहाँ लेके जाएं, लेकिन ये रात का वक्त था और अपने मुमरा में सुविधाएँ ना होने की वजह से उसको वो लोग यहाँ पर लोकल वेट के पास में लेके गए जहाँ पर उसको स्टिचेस लगाए गए, लेकिन दर्द की वजह से दम तोड़ दिया था। लेकिन ये एक हादसा हुआ हमारे मुमरा स्टेशन का जो एकदम गहमा गहमी वाला इलाका है जहाँ पर बहुत पब्लिक होती है, 9 से 10 के बीच में रिक्शाएँ होती है रोड पे, लेकिन उस बीच में अगर कोई इतनी बेदर्दी से किसी एक जानवर को चाकू मार देता है तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और क्या नाम है उसने जिसने मारा है? उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसको सब लोग 50 के नाम से जानते हैं। तो उसी क्यों मारा ऐसा कुछ जानकारी? नशे के इन्फ्लुएंस में था वो और वो किसी आदमी पे हमला करने जा रहा था, लेकिन वो आदमी बच गया और एक बेचारा जानवर, बेजुबान जानवर उसका शिकार हो गया। और आपने पुलिस में कंप्लेन वगैरह की? जी, पुलिस में कंप्लेन की। कल उसका डेड बॉडी हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में लेके आए थे, जिन लोगों ने उनको रेस्क्यू किया वो भी हमारे साथ में आए थे और यहाँ पर उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। कल पूरी कार्रवाई करने के बाद में, पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और आज 11 बजे उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। हमारे पास में 2-3 दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और FIR भी कल रात में दर्ज हो। 50 नाम का आरोपी है, उसे क्या गिरफ्तार किया है पुलिस ने? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जल्द ही वो कर FIR दर्ज होने के बाद में ही हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले गए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के जो बीट मार्शल हैं वो मेरे साथ में आए थे हॉस्पिटल में, बॉम्बे में, बॉम्बे PSPCI करके एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ये सुविधा होती है। एक्चुअली हम ये बोलना चाहेंगे कि हमें ये सुविधा थाना में भी मिले। कॉरपोरेशन की तरफ से हमको या PMC की तरफ से आज की डेट में रस्ते के जानवरों के लिए कोई सुविधाएँ नहीं हैं। पहले तो भी उनकी वैन आती थी, अगर कोई इंजरी हो जाती थी तो, या कोई डॉग को कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो TMT की वैन आती थी और TMT के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता था, लेकिन ये सुविधा पिछले मई महीने से ये भी बंद हो गई है। तो अभी हमको हमारी जेब से खर्चा करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास में ले जाना पड़ता है।